गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फिफ्थ, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर, लेसन फाइव, वर्ब रीड। वर्ब क्या होता है बेटा? वर्ब क्या होता है? क्रिया। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो, क्या शो करता है? हमारे एक्शंस को, हमारी स्टेट को, हमारी पोजीशन को। एक्शन क्या होता है? हमारा काम। स्टेट क्या होता है? हमारी दशा। पोजीशन क्या होता है? हमारे अधिकार। ये सभी क्या होता है? वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड विच शो एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। एक्शन कार्य, स्टेट दशा और पोजीशन मैंने अधिकार। जैसे द बेबी लाफ, बच्चा हंस रहा है। लाफ क्या हो गया? हमारा वर्ब हो गया। जैसे आई एम अ टीचर, एम क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। गोपी इज इल, इज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। राम हैज़ अ कार, हैज क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। विराट प्लेस क्रिकेट, ये प्लेस क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और अ वर्ब इज अ वर्ड विच से समथिंग अबाउट इट सब्जेक्ट। और वर्ब क्या होता है? जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। और अ वर्ब इज अ वर्ड विच से वट अ सब्जेक्ट डज और वट इज डन टू इट, मतलब उस सब्जेक्ट ने क्या करना है, क्या किया है। ऑल सेइंग वर्ड्स आर वर्ब्स, सभी वर्ड जो हैं वर्ब्स हैं। अ वर्ब डिनोट डूइंग, बींग एंड हैविंग, पोजेसिंग। द बॉय इज रीडिंग केयरफुली, क्या कर रहा है? डूइंग वर्ब। इज रीडिंग, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? द प्रिंसिपल टॉट मी, ये भी क्या है? टॉट मी, बातें कर रही है मुझसे, डूइंग वर्ब हो गया। अ ट्रेन हैज सेवरल बॉजेस, तो ये क्या है? पोजेसिंग वर्ब, हैज पोजेसिंग वर्ब है, जो अधिकारों की बात कर रहे हैं। द किंग हैड अ चैरियट, ये हैड क्या है? पोजेसिंग वर्ब्स, पोजेसिंग वर्ब्स जैसे कि हैज, हैव, हैड, ये सभी। एज गिवन टू द इन अबव सेंटेंस वी हैव सेपरेट फॉर्म टू शो बी प्रेजेंट टाइम, हम प्रेजेंट टाइम को शो कर रहे हैं। द पास्ट टाइम एंड द फ्यूचर टाइम में हम यूज़ करते हैं, समय के हिसाब से हम वर्ब में चेंज करते हैं। प्रेजेंट है तो एस ई एस लगाएंगे, पास्ट है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, फ्यूचर में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो हम उनको उसके हिसाब से यूज़ करते हैं। जैसे इज एम आर, दे रेफर टू द प्रेजेंट टेंस, किसको रेफर करते हैं? ये प्रेजेंट टेंस को। वाज वर किसको रेफर करते हैं? पास्ट टेंस को, बी पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं हम। विल शैल हमें फ्यूचर टेंस में यूज़ करते हैं। हैज हैव प्रेजेंट टेंस में, हैड बी पास्ट टेंस में, विल हैव शैल हैव अदर फॉर्म ऑफ हैज। अब है ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस द क्वेश्चन दैट फॉलो। आदर्श लाइक्स अ वाइट शर्ट, व्हाट डज आदर्श लाइक, क्या लाइक कर रहा है? वाइट शर्ट, ये ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब है, ठीक है ना? तो ये किस में क्या कर रहा है? लाइक्स, लाइक के बाद ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्वेश्चन पुट किया तो क्या लाइक किया? तो वाइट शर्ट, तो ये हमारा वाइट शर्ट क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है। आदित्य कोलेक्ट्स क्वाइन, व्हाट डज आदित्य कोलेक्ट, क्या कोलेक्ट किया आदित्य ने? क्वाइंस कोलेक्ट किए, क्वाइंस क्या है? हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हमारा ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कोलेक्ट। शी लव्स हिज मदर, मदर, हुम डज शी लव्स? मदर, मदर इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव। अब बेटे हमारा होता है, देर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब, दो तरह की वर्ब्स होती हैं। एक तो ट्रांसिटिव वर्ब्स होती है, जिसे हम सकर्मक क्रिया बोलते हैं। दूसरी होती है इंट्रांसिटिव वर्ब, जिसे हम अकर्मक क्रिया बोलते हैं। ट्रांसिटिव वर्ब में क्या होता है? अ ट्रांसिटिव वर्ब वो वर्ब होती हैं, इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन, उन्हें जो है अपने एक्शन को पूरा करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किसकी ज़रूरत होती है? ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अ ट्रांसिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव द एक्शन। जैसे कि ट्रांसिटिव वर्ब का आप एग्जांपल देखेंगे, शी मेड अ केक, शी मेड अ केक, वह क्या बना रही है? केक, केक क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसमें हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ी। अ वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक कंप्लीट सेंटेंस इज कॉल्ड ट्रांसिटिव वर्ब। हिंट, रिमेंबर दैट ओनली डूइंग वर्क शोइंग पोजेशन रिक्वायर ऑब्जेक्ट। जैसे कि नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंस, ये देखिए,
The inspector arrested. She wasted. All the above sentences are incomplete. तो ट्रांसिटिव में राम गेव मी अ क्या हो गया पेन. राम गेव मी अ पेन. ट्रांसिटिव वर्ब में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है. जैसे कि पेन है, पेन क्या हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. मी क्या हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. तो राम गेव मी अ पेन. आगे है हमारा इंट्रांसिटिव वर्ब. द वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसमें उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं. क्या कहते हैं इंट्रांसिटिव वर्ब बोला जाता है. जैसे कि समीता डांस्ड, अंजू जंप्ड, तो ये सभी हमारे किसके एग्जांपल हैं इंट्रांसिटिव वर्ब के. जैसे प्लीज सिट, ठीक है ना, ये सभी क्या हो गए हमारे इंट्रांसिटिव वर्ब. आगे है हमारा इनकम्प्लीट वर्ब, जो कि कंप्लीट सेंटेंस ना बनाए. अ वर्ब दैट डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू मेक सेल्फ बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब. अब हम करते हैं इनकम्प्लीट वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस. देखिए रीटा इज, प्रेरणा बिहेव्स, द लॉयन लुक्स, द मैजिशियन अपीयर. अ वर्ड रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट प्रेडिकेट इज कॉल्ड टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब होता है. और इनकम्प्लीट वर्ब होता है जो कि जिसमें सेंटेंस जो है कंप्लीट नहीं बनता, जो पूरी तरह से कंप्लीट सेंटेंस ना बने, उसे हम क्या बोलेंगे इनकम्प्लीट वर्ब. ऑल द वर्ड्स गिवन इन कलर्स आर इज, बिहेव्स, लुक्स, अपीयर्ड. दीज वर्ब डू नॉट मेक कंप्लीट सेंस. इन्होंने अपनी कंप्लीट सेंस नहीं बनाई देमसेल्फ. दे नीड सम वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस एंड मेक सेंस. इन्हें कुछ ज़रूरत है सेंटेंसेस की. जैसे रीटा इज, अब हैप्पी लगा दिया, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया. प्रेरणा बिहेव्स पोलाइटली, हमने पोलाइटली लगा दिया, ये कंप्लीट हो गया. द लॉयन लुक्स हंगरी, हमने हंगरी लगाया, तो ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. द मैजिशियन अपीयर्ड सडनली, तो मैजिशियन ने अचानक क्या किया, जादू किया, तो ये भी इससे सडनली लगाने से हमारा कंप्लीट हो गया. द वर्ब इन द अबव सेंटेंस डू नॉट हैव एनी एक्शंस. दे आल्सो डू नॉट शो पोजिशन, पोजिशन शो नहीं करते. दीज आर कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब. इन्हें इनकम्प्लीट वर्ब कहा जाता है. टू ऐड अ वर्ब टू द वर्ब टू द कम्प्लीट द मीनिंग एंड टू फॉर्म अ कम्प्लीट प्रेडिकेट इज कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब. अब है हमारी स्ट्रोंग एंड वीक वर्ब. स्ट्रोंग वर्ब किसे कहते हैं और वीक वर्ब किसे कहते हैं. स्ट्रोंग वर्ब वो होती हैं जिनके मिडल में वॉवल चेंज करते हैं, जैसे बीच में वॉवल को चेंज किया जाता है. स्ट्रोंग वर्ब में पास्ट टेंस मेरिली चेंजिंग द वॉवल टू द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट टेंस को, वॉवल को हम प्रेजेंट टेंस में चेंज करते हैं. जैसे कि वॉवल कौन सा चेंज होता है, जैसे फाइट है, फाइट वर्ब है हमारी, फाइट में बीच वाला चेंज कर दिया वॉवल. फाइट को किस में चेंज कर दिया, फाउट में, और फाउट. अब फाइंड है, फाइंड को किस में चेंज कर दिया, बीच वाला वॉवल चेंज हो गया, फाउंड, फाउंड. बिगिन है, बिगेन, बिगेन. ये सभी हमारी स्ट्रॉन्ग वर्ब होती हैं. और वीक वर्ब कौन सी होती हैं, जिन वर्ब्स के वीक वर्ब्स फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय, लास्ट में ईडी आएगा, डी आएगा, टी आएगा. जिस भी सेंटेंस के लास्ट में चेंज करते वक्त, ये नहीं पहले आ जाएगा, चेंज करते वक्त अगर लास्ट में ईडी, डी और टी आ जाता है, वो हमारी वीक वर्ब्स कहलाती हैं. जैसे वीक वर्ब कहलाती हैं, जैसे वॉक है, वॉक का चेंज करोगे तो वॉकड आ गया, लास्ट में ईडी आ गया ना. अब टॉक है, टॉक को चेंज करेंगे तो टॉक्ड आ गया, तो ईडी आ गया. तो चेंज करते वक्त जब हमारा जो ईडी, डी और टी आ जाता है, तो वो हमारी क्या कहलाती हैं, वीक वर्ब्स कहलाती हैं. स्टूडेंट्स ये हमारा चैप्टर हो गया है रीड. अब आप इसको अच्छे से रीड करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.